हेलो फ्रेंड्स, आज ये 1.5 मीटर कपड़े में से एक खूबसूरत सी फ्रॉक हम बनाने वाले हैं। हमने इसके लिए इस कपड़े को इस तरह से खोल लिया है और लंबाई में एक बार इसे डबल फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से ये लंबाई में डबल फोल्ड हो गया है। इसके बाद हम एक साइड से 14 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से 14 इंच पर यूँ निशान लगा लेंगे और मार्क कर लेंगे। एक्चुअली जो ये निशान है, ये हमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा हम लगा रहे हैं, यानी 14 ज़्यादा है। हम इसे बाद में इसमें से एक पट्टी निकालेंगे। अभी हम 14 इंच क्योंकि आसानी से निकाल ले रहे हैं, इसलिए हमने 14 इंच ले लिया है। तो ये हो गया। अब हम इसे मेन कपड़े में से कट कर लेंगे। ये देखिए, इसकी चौड़ाई हमने पूरा अर्ज में ही रख ली है। अभी हम इसमें से टॉप पोर्शन का कपड़ा निकाल लेंगे और एक साइड से भी पट्टी निकालेंगे। तो ये हो गया हमारा। अब ये पीस रह गया, इससे हम टॉप बनाएंगे और प्लस हम बनाएंगे ऊपर की जो बेल्ट हमें लगानी है वो। इसको देखिए, हमने इस कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया हुआ है। ये यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 4 इंच पे मार्क नीचे की तरफ से लगा देंगे। ये वही 14 इंच वाला पीस है। 4 इंच की ये एक पट्टी हम पूरे में से कट कर लेंगे। ये हमारी बेल्ट बनेगी। हमें ऐसी 4 बेल्ट्स चाहिए हैं। तो एक बेल्ट तो हमने आपको बता दी कि हमने यहाँ से निकाल ली, एक हम बाद में निकालेंगे। और उसके बाद कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड किया है कि 16 इंच इस तरह डबल फोल्डेड हो गया। इस कपड़े से हम बाद में बनाएंगे बाय स्टेप। तो हम ये 4 इंच वाला मार्क से कट कर ले रहे हैं। इस तरह से हमें एक लंबी पट्टी पूरी अर्ज की मिल गई है। ये इस तरह से हम 2 बेल्ट इस तरह से बना लेंगे। इसके अलावा इधर जो पीस कटेगा, इससे हम बनाएंगे गले का पट्टी। तो इसे भी हमने अलग कर दिया। इस तरह से हमारे पास ये डबल फोल्डेड कपड़ा मिल गया है। इसे हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे। इससे हम टॉप पोर्शन की कटिंग, ये 4 फोल्डेड है, खुला तरफ मेरी तरफ है। इधर से हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे शोल्डर के लिए, और नीचे की तरफ हम क्योंकि बिना आस्तीन का बना रहे तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। इधर से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये जो फ्रॉक बन रही है, ये 8 से 10 साल की लड़की के लिए ठीक है। और इस तरह से हमने मार्किंग कर ली है। फिर गले की हम मार्किंग करेंगे, तो हम 2.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और इधर से हमने मार्क किया 4 इंच पे। तो इस तरह से हो गया। और एक पीछे का गला थोड़ा कम मार्क किया, तो हम इसकी इसी तरह से निशान लगा ले रहे हैं। पीछे का गला हमने 3 इंच रख लिया है और आगे का हमने 4 इंच। तो इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। ये हमारा टॉप पोर्शन। यहाँ थोड़ा सा स्लोप देते हैं हम। पहले हम पीछे का गला कट करते हैं दोनों पे, थोड़ा सा इधर से भी साइड का वो देते हैं। दोनों हिस्सों को अलग किया, एक हिस्से पर हम आगे का गला कट कर लेंगे क्योंकि आगे का गला थोड़ा हम बड़ा रखते हैं। इसमें हम कोई बटन पट्टी वगैरह नहीं लगाने वाले हैं। ये हमारी बेल्ट बन गई। ये हमारा आगे का पोर्शन, तो फ्रंट पे हमने फ्रंट लिख लिया है। अभी जो बचा हुआ पीस है, इसमें से हम घेर बनाएंगे। तो हमने इसे खोल लिया है, खोल के फिर इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया है। ये हो गया डबल फोल्ड। ये डबल फोल्ड करके हमने नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकाला है, यानी पूरी तरह से डबल फोल्ड नहीं किया है। नीचे जो ये पट्टी निकलेगी, इसे हम घेर में नीचे का जो वो है पट्टी वो लगाएंगे। तो ये हमारी कम से कम 5 इंच हमें रखनी है नीचे की तरफ एक्स्ट्रा। तो ये नीचे की तरफ एक्स्ट्रा 5 इंच हमने इस तरह से मार्क कर लिए। इधर से 20 इंच हमारा होना चाहिए लंबाई, और इस तरफ से 32 इंच हम ले रहे हैं क्योंकि हमने जो कमर लिया है वो 16 लिया है, तो 16 का दुगना 32। स्टिचिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले जो हमने बेल्ट बनाई है, ये बेल्ट हम सबसे पहले इस तरह से एक साइड खुली तरफ से उल्टी तरफ फोल्ड करके बंद कर लेंगे। ये हमें 4 बेल्ट चाहिए। एक जो हमने शुरू में बनाई थी, 2 बेल्ट है वो, और एक जो हमारे घेर में से साइड में से कपड़ा बचेगा वहाँ से हमें 2 बेल्ट मिल जाएंगे। इस तरह से 4 बेल्ट हो गई। साइड से इस तरह से हमने इसे सिल लिया है और नीचे की तरफ जाते जाते एक साइड से हमें बंद भी कर देना है। तो ये देखिए, हम सीधी सिलाई कर रहे हैं। यहाँ गोलाई देखते हुए इस तरह से बंद कर दिया। ये
दिखाते हैं अभी हम आपको, ये देखिए ऐसे, तो ऐसे ही करना है। अब हमने बेल्ट को पलट लिया है और इधर साइड से भी सिलाई दे लेंगे। इस पलटना हम किसी भी पेन की मदद से पलट सकते हैं। इस तरह से चारों बेल्ट में करना है। इस तरह से सिलाई दे लेने में बेल्ट अच्छे से बैठ जाती है। देखिए एकदम हम मार्जिन बहुत कम लेते हुए सिल देंगे, एक ही साइड सिलना है हमें। इसके बाद टॉप पोर्शन का जो ये शोल्डर वाला हिस्सा है ये हम जोड़ लेंगे आपस में, शोल्डर सारे ये इस तरह से। शोल्डर जुड़ने के बाद हम गले और आस्तीन की पट्टी लगाएंगे जो बायस टेप होगी। ये शोल्डर जुड़ गया हमारा। अब हम सबसे पहले ये बायस टेप है हमारी, हम इसको टॉप पोर्शन को सीधा रखेंगे और उसके ऊपर उल्टी पट्टी रखेंगे। ये ध्यान रखिए टॉप पोर्शन सीधा है और उसके ऊपर उल्टी बायस टेप रखिए। उल्टी कैसे, जहाँ पे जोड़ आता है। अब इस तरह से हम पूरा आस्तीन में यूँ सिल लेंगे जो हमने कटिंग की है उस पर, ऐसे बिना खींचे। पट्टी हम खींच नहीं रहे हैं, ये जोड़ ली। अब एक्स्ट्रा पट्टी हम कट कर देंगे और उसके बाद इसे फोल्ड करके, आप चाहें तो पूरा कंप्लीट फोल्ड भी कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा पट्टी अंदर कर दीजिए या थोड़ी सी इसमें पाइपिंग बना लीजिए। हम थोड़ी सी पाइपिंग बना रहे हैं, ये आपके ऊपर है टोटली। आप इसे चाहे तो मशीन से सिलिए, चाहे तो तुरपन करके इसकी ये पाइपिंग बनाइए। तो हम ये मशीन से सिल दे रहे हैं। ये देखिए पाइपिंग हमारी बनती जाएगी। ऐसे ही हमें दोनों आस्तीनों में पाइपिंग लगा लेनी है। इसके बाद हम बताते हैं कि गले पे कैसे करना है। ये देखिए ऐसे ये आस्तीनों पे हमारी पाइपिंग लग गई। अब गले पे शुरुआत हम बीच शोल्डर से करते हैं। तो शोल्डर हमें खोल लेना है, ये इस तरह से सीधा है हमारा टॉप और उसके ऊपर उल्टी हमने बायस टेप रखी। ये बायस टेप जो है हमें शुरुआत जहाँ से जोड़ने में करनी है इस जगह से, इसे थोड़ा सा ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके फिर हमें यहाँ पे रखना है जहाँ पे हमारा शोल्डर का जोड़ा है, पूरे में इसके बाद जोड़ना है और इसके ऊपर पट्टी लाके सिल लेनी है। इससे क्या होगा, अंदर की पट्टी तो सीधी रहेगी और पीछे ये डबल फोल्डेड है तो ये बाद में इसका जो एजेस है वो छुपे रहेंगे। ये हमने इसमें पट्टी जोड़ ली है पूरी, ये दिखाते हैं हम आपको। अभी ये पट्टी जुड़ गई है। अब पट्टी को फिर से हमने वही करना है, ये देखिए जैसे हमने शोल्डर में किया था वैसे ही इसे, ये देखिए ये एक बार फोल्ड और एक बार अंदर फोल्ड। थोड़ी सी पाइपिंग रहेगी और उस पाइपिंग पे हम पास से या तो बकिया देंगे या तो आप हाथ से तुरपन कर ही लीजिए। इस तरह से हमारे ये दोनों गला और आस्तीन रेडी हो जाएंगे। ये देखिए पाइपिंग, ये दोनों रेडी हो गए। अब हम साइड की सिलाई करेंगे, बट अभी हम टॉप पोर्शन नहीं, सबसे पहले जो घेर है, घेर दो पीस में है हमारा, तो हम उसकी सीधी सिलाई एक के ऊपर एक रख के कर लेंगे। तो ये साइडों से सिलाई देनी है घेर पे इस तरह से, तो हम सिलाई दे लेते हैं। इसके बाद हम टॉप पोर्शन की सिलाई करेंगे। तो दो दो बेल्ट, ये दो बेल्ट हमने ली है और इसे ये साइड में रखा और उसके बाद दूसरा पीस रखा इस तरह से, ये नीचे की तरफ ही रखना है। दो दो बेल्ट हम दोनों साइड में रखते हुए फिर साइड की सिलाई टॉप पोर्शन की करेंगे। इससे हमारी दोनों बेल्ट हमारे टॉप पोर्शन में अटैच हो जाएंगी। इस तरह से ये सिल गया, ये दोनों बेल्ट अभी हम नीचे ही दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद जो हमने घेर पर सिलाई साइड से कर रखी है उस पर हम एक साइड पर बड़े नंबर की बकिया से सिलाई करेंगे। ये बड़े नंबर की बकिया से खींच के हम इसलिए सिल रहे हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पे प्लेट्स या चुन्नटे या गैदरिंग देनी है, तो गैदरिंग के लिए हम ये बड़े नंबर की सिलाई डाल रहे हैं एक साइड में घेर के पोर्शन पे। आप देख पा रहे होंगे कि बीच की सिलाई हमारी ये खड़ी खड़ी दिख रही होगी। ये देखिए एंड तक हमें ऐसे खींच के सिल लेना है, ये इस तरह से। इसके बाद ये गैदरिंग कैसे आएगी वो हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से एंड तक सिल लिया, एक साइड के दो धागे में हमने गांठ लगा ली है और फिर जो धागे हमारे एंड में बचते हैं उसमें से सिर्फ एक धागा लेके हम उसे खींच लेंगे, जिससे देखिएगा कैसे चुन्नटे या गैदरिंग आती जाएगी। एक धागा खींचने में ये देखिए चुन्नटे आने लगती हैं। ये इसको इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा जो टॉप पोर्शन है एकदम उसके बराबर ये घेर हमारा हो जाए, टॉप के एकदम चौड़ाई के बराबर। देखिए एकदम घेर हमने इस तरह से एडजस्ट कर लिया है कि टॉप के बराबर हो गया है।
अब हम इसको सिलेंगे आपस में दोनों को एक साथ। सिलने के लिए टॉप को हमने सीधा कर लिया है और उसको हम इस पर इंसर्ट करके फिर सिल लेंगे। देखिए हम ये सिल रहे हैं घेर और टॉप को आपस में। टॉप दोनों का याद रखिएगा उल्टा साइड एक ही तरफ होना चाहिए, यानी टॉप हमने सीधा करके अपने स्कर्ट पोर्शन में डाल दिया है और उसके बाद हम सिल ले रहे हैं। इस तरह से पूरे घेर को सिल लेंगे हम। अब ये देखिए ये लुक है, हमने एक तरफ की बेल्ट को बांध दिया है और पीछे से दो बेल्ट है। अब हम नीचे भी एक लगाएंगे पट्टी जो थोड़ी सी बड़ी है हमारी, उस पर भी गैदरिंग देंगे। ये हमने 5 इंच की पट्टी ले रखी है, दोनों तरफ इसमें हम फोल्डिंग कर लेंगे या तो हम इसमें पिको कर लेंगे और इसे वैसे ही गैदरिंग देंगे जैसे ऊपर है, इसको यहाँ जोड़ना है। देखिए ऊपर जैसे गैदरिंग आई है वैसे ही हमें यहाँ साइड में बेल्टें भी इस तरह से दिख रही है हमारी यहाँ पे, वैसे ही अब हम नीचे गैदरिंग करेंगे। बट नीचे हमें क्या करना है, हमने इसे सीधे कपड़े पे इस तरह सीधी पट्टी रखनी है जिससे कि ऊपर का हिस्सा हमारा, हमने इसीलिए इसे दोनों तरफ से डबल फोल्ड किया है क्योंकि हम यहाँ पर पट्टी को जो है वो अपनी फ्रॉक के ऊपर रख के सिलने वाले हैं जिससे कि थोड़ा सा हिस्सा पट्टी का ऊपर से दिखेगा, जबकि घेर में ऐसा हमने नहीं किया है। घेर में दोनों के सीधे फ्रॉक पे सीधी पट्टी ऐसे ऊपर उसके रखी है, थोड़ा सा पट्टी का हिस्सा फ्रॉक के ऊपर से आएगा, वो बहुत ही सुंदर देखने में लगता है, जबकि घेर में दोनों हिस्से अंदर की तरफ करके सिले, तो इस तरह सिल लेना है। देखिए ये है फ्रॉक का फाइनल लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, आई होप आपको पसंद आया हो।